हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर के काम को कैसे करती हूं, कैसे मैनेज करती हूं, कैसे अपने लिए टाइम निकालती हूं। और मैंने कोई भी मेड या हाउस हेल्पर नहीं लगाया है, मैं घर के सारे काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं खुद से ही अकेले ही करती हूँ। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो मैं सबसे पहले उठ कर के अपना बेडरूम ही सही करती हूँ। सबसे पहले मैं बेडशीट को झाड़ देती हूँ, फिर बेडशीट को लगाती हूँ, क्योंकि बेडशीट पर भी डेली डस्ट आ जाता है। और अभी तो मैं विहान के यहाँ पर टॉयस को रख रही हूँ, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर पहले यहीं पर खेल रहा था। तो बच्चे ना जहाँ भी खेलते हैं वहाँ पर अपने खिलौने वगैरह वैसे भी बिखरा ही देते हैं। वैसे तो मैंने उसके लिए ऑर्गेनाइज़र भी बनाया है उसके टॉयस के लिए, पर अभी वो मिल नहीं रहा है, तो जो मुझे मिला बस मैं उसी में रख दे रही हूँ। और यहाँ पर लैपटॉप का चार्जर भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी थोड़ी देर पहले। और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब तो नीचे भी जो सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसको भी मैं एक पॉली बैग में रख दे रही हूँ। और अभी मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखाऊंगी, उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है, उसमें भी सब सामान फैला हुआ है, अभी आप लोग देखिएगा। तो बस मैं इस रूम में झाड़ू लगा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं लिविंग रूम में लगाऊंगी। तो ये देखिए लिविंग रूम, इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, सब सामान उथल पुथल है, बिखरा हुआ है। बच्चे ना जहाँ भी खेलते हैं वहाँ पर सामान को फैला ही देते हैं, और विहान कुछ ज़्यादा ही सामान फेंकता है, फैलाता है। तो बस सबसे पहले तो मैं सामान को अरेंज करूँगी, एक जगह पर रखूँगी, ऑर्गेनाइज तरीके से रखूँगी, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊँगी। क्योंकि सामान जब तक ऑर्गेनाइज नहीं रहता, अरेंज नहीं रहता ना, तब तक झाड़ू भी ठीक से नहीं लग पाती, और घर भी बहुत फैला फैला सा लगता है, जैसे लगता है कि बहुत ढेर सारा काम है। और मैं यहाँ पर सेंटर टेबल को भी कोलीन से साफ़ कर रही हूँ। तो मैं डेली तो कोलीन से नहीं करती हूँ, अल्टरनेट डेज पर ही करती हूँ, क्योंकि डेली टेबल पर भी हाथ वगैरह लगता रहता है, और बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं तो गिराते ही हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक घंटे में ये क्लीनिंग का काम सुबह कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह भी बनाना रहता है। तो ये देखिए पूरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, सारा सामान भी एक जगह पर रखा हुआ है। और जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, और नहाने के बाद मैं यहाँ पर सूर्य देवता को जल डाल रही हूँ। इसके बाद मैं तुलसी जी को जल देती हूँ। तो ये जो मैंने गमला है ना, तो ये जो मेरा तुलसी जी का गमला है, इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हैं, क्योंकि मैंने इसमें बीज डाले थे कुछ दिन पहले। तो मैंने कई तुलसी के पेड़ लगा रखे हैं, दो यहाँ पर हैं और दो पीछे पेड़ लगे हुए हैं तुलसी के। और इसके बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा देर तक तो पूजा नहीं करती हूँ, मैक्सिमम मेरी पूजा 10 मिनट की ही होती है, लेकिन थोड़ी देर भी पूजा करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है भगवान ने हमारे सारे दुख जितनी भी परेशानी थी सब हर लिया है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब सुबह नहा धो कर के पूजा करो, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं डेली ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ।
तो पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में ही आती हूँ और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ रवा की इडली। तो नहाने जाने से पहले ही मैंने रवा को दही में भिगो करके रख दिया था और आज मैं तड़के वाली इडली बनाने वाली हूँ। तो अब मैं तड़का तैयार करने जा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, उसमें मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं यानी कि राई, थोड़ी सी चने की दाल डाली है, थोड़ी सी उड़द की दाल डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है। बस जब ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको रवे में मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर रवे में मिला दिया है। तड़के वाली इडली ना बहुत ही अच्छी लगती है, तो बहुत दिन से मेरा मन था कि तड़के वाली इडली बनाने का, तो आज मैं इसको बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर इडली को सांचे में डाल दे रही हूँ और इसके साथ मैं बनाऊँगी मूँगफली की चटनी। तो जब तक इडली जो है पक रहा है मैं यहाँ पर मूँगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं मिक्सर में इसको पीसूँगी। तो मैंने मूँगफली के छिलके को हटा दिया था, इसमें मैंने दो मिर्चे डाल दिए हैं हरे और 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की डाल दी हैं और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। इससे टेस्ट ना मूँगफली की चटनी का अच्छा आता है और यहाँ पर मेरी इडली भी बन गई है। तो बस मेरा नाश्ता जो है अब रेडी है, तो आप लोग भी खाने आ जाइए इडली और मूँगफली की चटनी। और नाश्ता करने के बाद बस मैं यहाँ पर नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। विहान के लिए मैंने खिचड़ी बनाया था क्योंकि विहान जो है ज़्यादातर सादा खाना ही खाता है, तो बर्तनों का तो ढेर लगा हुआ है। बस मैं फटाफट से बर्तन धो ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन को धो लिया है। बर्तन धोने के बाद मैं गैस काउंटर टॉप एरिया और टाइल्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैं ये सब काम ना तुरंत के तुरंत ही कर देती हूँ, जैसे ही बर्तन धोती हूँ तुरंत काउंटर टॉप एरिया को भी साफ़ कर देती हूँ जिससे कि कोई कीड़े मकौड़े वगैरह ना आए। तो बस मॉर्निंग के सारे काम जो है मेरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पर मोबाइल देख रही हूँ। तो अभी ना 10 या 10:30 हो रहा होगा और मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह रीड करती हूँ, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं तो बस उन्हीं सब का रिप्लाई कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं फेस पैक क्या मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी में मैंने रोज़ वाटर मिलाया था और मुल्तानी मिट्टी लगाने से ना स्किन जो है ज़्यादा ऑयली नहीं रहती है। वैसे भी अब समर का सीज़न आ रहा है तो जब ये सूख जाएगा तब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो मुल्तानी मिट्टी जो है अच्छे से सूख गया था तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ यहाँ पर। फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। ये मैंने अभी 15 दिन से लगाना शुरू किया है और ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा तो मैं स्किन केयर के लिए नहीं करती हूँ कुछ, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, बस यही एक दो चीज़ें ही लगाती हूँ। और विटामिन सी सीरम से ना स्किन जो है बहुत ही स्मूथ रहती है। और बस विटामिन सी सीरम लगाने के बाद इसको मैं हाथ की उंगलियों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फेस पे। और डेली मैं ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का सा ही मेकअप करती हूँ। एक काजल लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। और बस मैं बालों को कॉम कर लिया है, तो यही मेरा डेली का मेकअप रहता है हल्का फुल्का सा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।